हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम सो आवर टुडे टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के पार्ट्स आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल अवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक हेड हैंड्स फीट आइस ईयर्स लेग्स एक्सेस्ट्रा हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं हेड आइस ईयर्स हैंड्स लेग्स फीट ये सारे क्या हैं बॉडी पार्ट्स हैं ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन फंक्शन इन अवर बॉडी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में उनका क्या है अलग अलग क्या है सबके अपने फंक्शन हैं हाथ कुछ और करते हैं पैर हमारे कुछ और करते हैं तो सबके क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं हमारी बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है सारे बॉडी पार्ट्स अपनी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है केस अगर कोई भी बॉडी पार्ट हमारे पास मिस हो जाता है मिसिंग होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है है ना इसलिए सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, वैसे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं उसके भी पार्ट्स होते हैं ओके okay? तो देखते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सी सिमिलरली कंप्यूटर टू हैज मैनी पार्ट्स कंप्यूटर के पास भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फॉर अ सिस्टम टू वर्क इट नीड्स ऑल द पार्ट्स टू वर्क टुगेदर एंड दस एवरी पार्ट हैड्स इट्स ओन इम्पोर्टेंस तो क्या होता है सिस्टम वर्क के लिए क्या होता है सारे जो बॉडी पार्ट होते हैं ना सबको एक साथ वर्क करना चाहिए और क्या होता है सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है जैसे हमारे बॉडी पार्ट में सब साथ में वर्क करते हैं जिसका जो काम है वो वो काम करता है वैसे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं इसके भी पार्ट्स होते हैं और जिसका जो काम है वो अपना अपना काम बहुत अच्छे से करता है सेम वे एवरी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन इंपॉर्टेंस जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स की सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना वैसे ही कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसकी भी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है ओके सी द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोनिटर कीबोर्ड सी पी यू एंड माउस ये पूरा क्या है हमारा कंप्यूटर सिस्टम है कौन कौन से मेन पार्ट्स दिख रहे हैं आपको इसमें मोनिटर कीबोर्ड सी पी यू एंड माउस ओके okay, तो चलो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं ओके वन मोर थिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर में भी क्या होता है दो टाइप के पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन इज प्राइमरी पार्ट्स एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी पार्ट्स प्राइमरी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर फर्स्ट मॉनिटर सेकेंड कीबोर्ड थर्ड माउस एंड फोर्थ सी पी यू ऑफ अ कंप्यूटर आर फर्स्ट प्रिंटर सेकेंड स्पीकर एंड हेडफोन्स थर्ड स्कैनर एंड फोर्थ यू पी एस ना लेट्स स्टार्ट विद द मोनिटर इट लुक्स लाइक अ टी वी स्क्रीन मोनिटर कैसे दिखता है टी वी स्क्रीन के जैसे दिखता है इट इज़ कनेक्टेड टू द सी पी यू विथ वायर ये सी पी यू के साथ एक वायर से कनेक्ट होता है इट डिस्प्लेस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड वर्क विच इज़ डन इन साइड द कंप्यूटर मॉनिटर क्या करता है जो भी कंप्यूटर में अंदर वर्क होता रहता है ना वो हमको क्या करता है स्क्रीन पे दिखाता है ठीक है ना स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है यू कैन वॉच मूवी एंड कार्टून्स ऑन इट आप इसमें मूवीज़ और कार्टून भी देख सकते हो द मॉनिटर हैज़ ऑन ऑफ बटन एट द फ्रंट मॉनिटर के फ्रंट में सामने कौन कौन सी बटन होती हैं ऑन ऑफ ओके टर्निंग द मोनिटर ऑफ डज नॉट टर्न ऑफ द कंप्यूटर अगर आपने मोनिटर को ऑफ कर दिया इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है इट मीन्स मोनिटर को बंद करने से हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता नेक्स्ट वन इज़ की बोर्ड द कीबोर्ड इज़ मेड ऑफ सेवलर स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज अच्छा कीबोर्ड क्या होता है बहुत सारी छोटी छोटी बटन से मिलकर होता है बना होता है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं कीज ईच की हैज़ एन अल्फ़ाबेट नंबर और सिंबल ऑन इट हर की के ऊपर या तो अल्फ़ाबेट या नंबर या सिंबल बना हुआ होता है वी कैन यूज़ अ कीबोर्ड टू टाइप इन द टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज़ हम क्यों करते हैं टेक्स्ट को टाइप करने के लिए अपना इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसको कंप्यूटर को और क्या होता है जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना वो हमें कहाँ पे शो होता है मॉनिटर में नेक्स्ट वन इज माउस अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस डेट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन माउस एक पॉइंटर डिवाइस है जो कि स्क्रीन पर पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है इट्स नेम इज़ डिराइव फ्रॉम इट्स शेप अच्छा वो माउस देखा है ना चूहा लगता है ना उसी के जैसे तो उसका नेम क्या है इसके उस वो शेप देखकर ही इसका नेम क्या है माउस है द कनेक्टिंग वायर डेट कैन बी इमेजिन टू बी अ टेल जैसे माउस की टेल होती है ना चूहे की जो पूछ होती है ना तो उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं जिसमें माउस में वायर रहता है ना उससे हम क्या कर सकते हैं इसको रिलेट कर सकते हैं सी ये वायर है ना दिखा वायर लग रहा है ना कि जैसे वो वाला चूहा हो जो हमारे घरों पे आता जाता रहता है ओके अ माउस हैज़ टू बटन्स विच कैन बी क्लिक्ड टू परफॉर्म एक्शन ऑन द कंप्यूटर माउस में टू बटन्स होती हैं अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है माउस के थ्रू तो हम क्या करते हैं इन्हीं दो बटन्स का यूज करते हैं क्लिकिंग द माउस वंस इस कॉल्ड आज सिंगल क्लिक वाइट क्लिकिंग इज टॉल्ड डबल क्लिक जब आप माउस से एक सिंगल क्लिक करते हो ना जस्ट क्लिक करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंगल क्लिक बट जब आप उसको डबल टाइम टू टाइम्स क्लिक करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं डबल क्लिक नेक्स्ट वन इज सी पी यू सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सी को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं सी को हम कंप्यूटर का दिमाग ब्रेन ठीक है ये भी बोलते हैं सी पी यू कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक्स दैम वर्क टुगेदर सी पी यू क्या करता है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या कनेक्ट करता है और उनको साथ में परफॉर्म करवाता है ओके नाउ सी सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सो लेट्स स्टार्ट ओके फर्स्ट वन इज़ प्रिंटर प्रिंटर क्या है ये कंप्यूटर के सेकेंडरी पार्ट्स में आता है ओके इट हेल्प्स यू टू टेक योर वर्क ऑन द पेपर अच्छा आप जो कंप्यूटर में वर्क करते हो ना तो प्रिंटर क्या करता है उसको पेपर में हमें कन्वर्ट करके देता है ना पेपर में प्रिंट करके देता है द प्रिंटर प्रिंट्स द सेम वर्क ऑन द पेपर विच इज़ शोन ऑन द मोनिटर प्रिंटर क्या करता है हमें सेम वही प्रिंट करके देता है जो हमारे मोनिटर में हमें शो होता है जो भी इमेज हमारे मोनिटर में हमें शो होती है डिस्प्ले होती है उसको सेम उसी फॉर्म में कम, प्रिंटर हमें प्रिंट करके देता है ओके नेक्स्ट इज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स फर्स्ट पिक्चर में क्या शो हो रहा है स्पीकर्स एंड सेकेंड में हेडफोन्स दीज आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्डेड सॉन्ग वॉयस स्पीच एंड साउंडस इन अ कंप्यूटर इनका यूज़ हम कैसे करते हैं कंप्यूटर में रिकॉर्डेड सॉन्ग सुनने के लिए स्पीच सुनने के लिए है ना जो भी रिकॉर्डेड वॉयस होती हैं सॉन्ग्स होती हैं उनको सुनने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं स्पीकरस एंड हैडफोन्स का नेक्स्ट वन इज स्कैनर इट हेल्प्स टू पुट योर वर्क एंड पिक्चर इन टू द कंप्यूटर ये क्या करता है आपके वर्क को या फिर जो भी इमेजेस होती हैं पिक्चर्स होती हैं उनको कंप्यूटर में पुट करने में हेल्प करता है और ये क्या करता है ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको स्कैन करता है और आपके वर्क को कंप्यूटर में एंटर कराता है अच्छा इसका यूज़ कैसे करते हैं देखो क्या होता है अगर हमें कोई भी चीज़ स्कैन करनी है ठीक है सपोज़ एक पेज है हमारे पास हमें उसको स्कैन करना है तो उस पेज को हमने स्कैनर के अंदर यहाँ पे दिख रही ना इसकी इमेज यहाँ पे इसको रख दिया ठीक है तो, तो जो भी इसमें इमेज होती है जो भी इसमें पिक्चर होती है ना तो वो सीधा हमें कहाँ पर डिस्प्ले होती है हमारे मोनिटर में डिस्प्ले होती है तो जो भी हमारी पेज में इमेज़ वगैरह हैं ये कहाँ चली गई कहाँ एंटर हो गई मोनिटर में हमारे कंप्यूटर में ओके okay, तो ये ऐसे वर्क करता है लास्ट वन इज यू पी एस यू पी एस फॉर अन पावर सप्लाई यू पी एस का फुल फॉर्म क्या होता है अनड पावर सप्लाई इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम्स वेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ यू पी एस क्या करता है अगर लाइट बंद हो जाती है लाइट ऑफ हो जाती है तो क्या करता है हमारे कंप्यूटर को थोड़ा देर के लिए ऑन रखता है कौन यू पी एस ओके तो इसी के साथ हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टॉपिक क्या होता है कंप्लीट होता है अब आपको क्या करना है वीडियो को अच्छे से देखना है अच्छे से सुनना है समझना है और पढ़ाई करनी है कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किस पार्ट का क्या अपनी इम्पोर्टेंस होती है किस पार्ट का क्या वर्क होता है ये आपको अब लर्न करना है आपको बनना चाहिए ओके बाय थैंक यू